राजधानी के रंगमंदिर छत्तीसगढ़ी भाषा में गधा के बिहार नामक नाटक का मंचन किया गया, जिसमें एक गधे की शादी और इंद्रलोक में बढ़ते टेक्नोलॉजी का असर बेहतरीन प्रदर्शन किया गया। इस नाटक में सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी के प्रभाव को भी बड़ी संजीदगी से पेश किया गया। रंगमंदिर शनिवार को गधा के बिहाव नाटक का शानदार मंचन राजधानी वासियों के सामने हुआ। रंगमंदिर में हुए इस नाटक में एक इंसान के गधे का अवतार को दर्शाया गया। अग्रगामी नाट्य समिति के तत्वाधान में ये छत्तीसगढ़ी नाटक का सफल मंचन किया गया। दर्शक ये नाटक देख खूब ठहाके लगाते रहे। नाटक में कल्लू नाम के एक गधे का किरदार बेहद जोरदार रहा। नाटक के मंचन के दौरान सोशल मीडिया पर भी तीखा तंज कसा। नाटक की कहानी में कल्लू गधों के चारा निगलता रहा है। इसी बीच गुरु बृहस्पति जो पृथ्वी लोक में साधु के वेश में आए हैं, उनकी कल्लू से मुलाकात होती है। कल्लू बृहस्पति से पूछता है, महाराज आप कौन हो? बृहस्पति कहते हैं, मैं 33 करोड़ देवी देवताओं का गुरु गुरु बृहस्पति हूँ। कल्लू बृहस्पति से बोलता है, महाराज मुझे एक मंत्र दो। गुरु बृहस्पति कहते हैं, आज से मैं तेरा गुरु और तू मेरा चेला। तभी इंद्रलोक से बृहस्पति के मोबाइल में मैसेज आता है। बृहस्पति कहते हैं, मैं जा रहा हूँ। कल्लू भी साथ चलने की जिद करता है। बृहस्पति कहते हैं, तू नहीं जा सकता। कल्लू बहुत जिद करता है तो बृहस्पति जी मान जाते हैं। फिर दोनों साथ में इंद्रलोक जाते हैं। कल्लू इंद्रलोक में देखता है कि वहाँ भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम और मोबाइल एडिक्शन फैल गया है। नाटक की जानकारी देते हुए डायरेक्टर रोहित भूषणवार ने इसकी जानकारी दी। अंदर कुछ धरेस का महाराज, ये कह रहे गांजा, गांजा धरेस दे रखो। मार रखा है, मतलब लागत हो गए। जिन गांजा रखा रहे यहाँ लोग किधर रहे हूँ? अपन बकवास बंद कर, हमारी बात सुन। आज ने मैं तो गुरु और तय और भाटा भाटा हां तो उन लोग के होते रे। आज ने मैं तो गुरु और तय और चेला जय हो जय हो गुरुदेव। यही बात में हो जाए कि पवा चल कोनो बात नहीं गुरुदेव, लेकिन चाय हो जाएगा गुरुदेव? बस चाय रे, आज का दूधा नहीं आए रे। मूला तो मीठा करा जा, पीला लेके रा दे चाय मेरा काबे खा भी दी कुकुर के खावे ना। इंद्र के राज दरबार में मैसेज आए है ऐसे तमोरा भी लेक्चर नहीं तय नहीं जा सका। ये कॉमिक प्ले है, ये पूरा कॉमिक है, छत्तीसगढ़ी पूरी लैंग्वेज में है, फोक ड्रामा है, नृत्य है। ये कैरेक्टर ऐसा है जो गुरु बृहस्पति जो 33 करोड़ देवी देवताओं के जो हैं, वो कल्लू से मिलते हैं पृथ्वी लोक में। और जब कल्लू बोलता है कि गुरुदेव मुझे दीक्षा दे दो, तो दीक्षा दे देते हैं और वो अपना शिष्य बना लेते हैं। उस जीत में जब इंद्र सभा से मैसेज आता है, उनको बुलाया जाता है, तो कल्लू जीत करता है कि मैं भी स्वर्ग लोक जाऊंगा। तो स्वर्ग लोक वो भी चले जाते हैं। वहाँ देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इतना वहाँ पर छाया हुआ है, हर देवताओं के हाथ में मोबाइल है, कैमरा है। इस नाटक के अंत में आखिरकार कल्लू गधे की शादी ही हो जाती है। कल्लू गधा सोया रहता है, इसी बीच राजा की घोषणा सुनता है। राजा ने शर्त रखी है कि जो कोई एक रात में महल की सीढ़ी से कुम्हार 12 तक पुल बनाएगा, उसके साथ राजकुमारी का विवाह होगा। कल्लू गधा सोचता है, मैं शर्त को जीत जाऊं तो मूल रूप में मैं आ जाऊंगा। तभी गधे को एक गधी से प्यार हो जाता है और चित्रसेन श्राप से मुक्त हो जाता है।
निखिल विश्वकर्मा की रिपोर्ट। ज्यादा से ज्यादा वीडियो अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। न्यूली अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। देश टीवी, वी रिपोर्ट, यू डिसाइड।